नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं त्यागी जी टेक्निकल। आज मैं बात करने वाला हूं गूगल मैप्स के बारे में। आज मैं आपको गूगल मैप्स की कुछ ऐसी फीचर्स और ट्रिक्स बताऊंगा, अगर जिनको आप जानकर जो है बहुत अच्छे से गूगल मैप्स यूज़ कर सकते हैं और उसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं उन ट्रिक्स का और फीचर्स का। तो गाइस, पहली ट्रिक जो है वो फीचर है वो है शेयर लोकेशन। जैसे कि मेरी यहाँ पे शेयर लोकेशन है और मैं इसको किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ। यानी कि जैसे जो पेरेंट्स होते हैं वो परेशान रहते हैं अपने बच्चों के लिए कि कहाँ हैं, अभी कहाँ पहुँच गए, कहाँ नहीं पहुँच गए, तो क्या है कि वो अपनी लोकेशंस जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो उनका लाइव जो है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो लाइव ट्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा शेयर लोकेशन। शेयर लोकेशन पे हम जाएंगे। शेयर लोकेशन पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, एक घंटे के लिए आप लोकेशन अपनी शेयर करना चाहते हैं कितने। तो हम जैसे बाहर जा रहे हैं 4 घंटे के लिए, अब हम इस लोकेशन को व्हाट्सअप पे शेयर कर देते हैं ताकि हमारी जो रियल टाइम लोकेशन है वो ट्रैक कर सकें। तो ये एक लिंक बन जाएगा, मैं व्हाट्सअप पे सेंड करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने इस नंबर पे जो है वो लोकेशन सेंड कर दी है। ठीक है गाइस, मैंने इस नंबर पे जो है लोकेशन वो सेंड कर दी। अब मैं दूसरे फ़ोन में भी आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे जो है वो लोकेशन को जो रियल टाइम है उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो मेरे पास ये दूसरा फ़ोन आ चुका है। तो गाइस देखिए मेरे दूसरे फ़ोन में लिंक आ गया। मैं इस पर लिंक पर क्लिक करूँगा और देखूँगा गूगल मैप से कनेक्ट हो जाएगा और फिर मुझे जो है मेरी लोकेशन दिखाना शुरू कर देगा। ये मेरी जो है लाइव लोकेशन है, मैं जहाँ भी जाऊँगा तो ये मेरी लोकेशन उसी हिसाब से ट्रैक करती रहेगी। तो इस तरीके से आप जो है किसी को भी ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कोई बाहर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो आप उसको इस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। तो गाइस दूसरा फीचर जो है वो है ऑफलाइन मैप। यानी कि आप कहीं जाते हैं बाहर तो हो सकता है कि कभी आप डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है या फिर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो आप गूगल मैप वही एरिया का जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप यहाँ पर जाइए सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद देखिए डाउनलोड एरियाज पर क्लिक कीजिए। डाउनलोड एरियाज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं अपना एरिया चुन लेता हूँ। जैसे कि मैं ये दिल्ली, ये मेरा जो देखिए मैं ये इतना एरिया चुन लेता हूँ दिल्ली का, और ये नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये सारा एरिया चुन लेता हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे आ जाएगा कितने MB का ये डेटा है। तो 250 MB का ये मैप ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। मैं यहाँ पे सर डाउनलोड पे लगा दूंगा। देखिए तो ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो इसके बाद क्या है कि हमारे पास अगर डेटा नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर हम सारा जो मैप है उसको ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइज ये बहुत ही कमाल का फीचर हो सकता है उन लोगों के लिए जो बाहर जाते हैं और उनकी डेटा कनेक्टिविटी उनको नहीं मिल पाती है और वो फिर डेटा के वजह से वो जो है मैप को नहीं देख पाते हैं और जो इसके फ़ायदे हैं गूगल मैप्स के वो नहीं उठा पाते हैं गाइज। तो आप ये यूज़ कीजिएगा जब आपके पास डेटा की एक्सेस ना हो। तो गाइज तीसरा जो फीचर है गूगल का वो बहुत ही कमाल का, यानी कि आप लाइव ट्रैफिक देख सकते हैं। यानी कि आप कहीं पर जा रहे हैं तो आपको पता लग सकता है कहां पर ट्रैफिक ज्यादा है, कहां पर कम है, और क्या वहां पर जो रूट्स हैं वो खाली है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर आप कोई भी अपना लोकेशन चुन लीजिए, जहां पर आपकी लोकेशन है, जहां पर आपको जाना है उस ट्रैक को चुन लीजिए, उस रास्ते को। उसके बाद यहां 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा ऑल ट्रैफिक। ऑल ट्रैफिक पे क्लिक करने के बाद देखिए पूरा जो ट्रैफिक है वो देखना शुरू हो जाएगा उस रूट पे। ठीक है गाइस, तो ये जितना भी ट्रैफिक आ रहा है ये देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे रेड रेड है, देखिए मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर ट्रैफिक रुका हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इधर। और ये ऑरेंज है मतलब यहाँ पर मीडियम ट्रैफिक है, मतलब रोड चल रही है। ये ब्लू जो आ रहा है यहाँ पर मतलब ट्रैफिक जो है वो चल रहा है, ग्रीन है मतलब सिग्नल वहाँ पे, मतलब चल रहा है ट्रैफिक, ऑनगोइंग है। तो इस तरीके से आप लाइव ट्रैफिक देख सकते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक है, कहाँ पर कम है, तो उस हिसाब से आप अपना रूट चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक है तो आप दूसरे रूट से जा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर हो सकते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें जल्दी पहुँचना है, तो उन्हें पहले ही वो पता लगा लेंगे अपने रास्ते के बारे में उन्हें आगे आने वाले जो रास्ते में कितना ट्रैफिक मिलने वाला है गाइस। तो आप इसको यूज़ कीजिएगा, इसको ये बहुत ही कमाल का फीचर आपके लिए हो सकता है गाइस। जो चौथा फीचर है वो भी बहुत अच्छा है। उसमें क्या है कि जैसे कि आपको जैसे ही मुझे नेहरू प्लेस जाने से पहले मुझे एक रास्ते में एक जगह और रुकना है, तो गाइस इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पे लिख लेता हूं जैसे नेहरू प्लेस मुझे जाना है। ठीक है गाइस, नेहरू प्लेस जाने के बाद देखिए मैं डायरेक्शन पे क्लिक कर दूंगा। देखिए अब नेहरू प्लेस जाने के बाद मुझे बीच रास्ते में एक जगह और रुकना है, तो वहाँ पे उस पर एक स्टॉप लगा दूंगा। यानी कि मैं यहाँ पे ऐड स्टॉप, यानी कि मैं बीच में एक रुक सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे यमुना विहार मैं लिख देता हूँ, यमुना विहार। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से मैं
इसको ड्रैग करके ऊपर भेज देंगे। देखिए देखिए इस तरीके से, मैं पहले अपनी लोकेशन से यमुना बिहार जाऊंगा, उसके बाद नेहरू प्लेस जाऊंगा, तो इस तरीके से उसमें जो है निशान आ जाएगा गाइस। देखिए यहाँ पे, तो इस तरीके से आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर बीच में स्टॉप लगा सकते हैं, यानी कि आपको वहाँ पर इंडिकेट करेगा कि आपको यहाँ रुकना है, कहाँ रुकना है, कहाँ कहाँ जाना है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर हो सकता है उन लोगों के लिए जो जा रहे हैं, कई जगह उनको काम है, कई जगह उनको जाना है, तो इस तरीके से वो अपने स्टॉप जो है इसमें ऐड कर सकते हैं अपने मैप की लोकेशन में, अपने रूट में। तो ये प्लीज़ आप यूज़ कीजिएगा ये फीचर, और देखिएगा आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा ये गूगल का फीचर। तो गाइस पांचवा फीचर जो है वो भी बहुत अच्छा है, जैसे कि आपको कहीं पर आप जैसे कि यहाँ पे आप, जैसे मैं न्यू दिल्ली में यहाँ पर, यहाँ से देखिए यहाँ से मैं अपने घर तक का या फिर करोल बाग तक का जो डिस्टेंस है वो मुझे मेज़र करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखिए तो मैंने यहाँ पर टैप करके, देखिए देखिए यहाँ पर जैसे मैं कीर्ति नगर में यहाँ पर मैंने टैप कर लिया है, देखिए यहाँ पर टैप कर लूँगा मैं। टैप करने के बाद देखिए ये रेड कलर का जो है लोकेशन पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद मैं नीचे मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर दूंगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा मेज़र डिस्टेंस। मेज़र डिस्टेंस पे क्लिक करके मैं यहाँ से जो है वो आसपास के कहीं तक का भी एरिया जो है उसको, उसका डिस्टेंस मेज़र कर सकता हूँ। तो गाइज जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, देखिए करोल बाग तक का कर लेता हूँ, करोल बाग देखिए यहाँ पे कर देता हूँ करोल बाग तक का, तो 3.2 किलोमीटर है ये एरिया यहाँ से, ठीक है गाइज। तो देखिए यहाँ से जहाँ से मैंने टैप किया था वहाँ से करोल बाग जो है 3.2 किलोमीटर, यहाँ से आप कहीं पर भी जा सकते हैं, और ये यहाँ पे नीचे जो है वो डिस्टेंस वो आपका मेज़र होता रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितने किलोमीटर है, तो आप कहीं पर भी टैप करके वहाँ से आप मेज़र कर सकते हैं ये कितना किलोमीटर है। तो गाइज जैसे कि आपको कहीं पर जाना है, जैसे कि मैंने ये रूट देखा अपने घर से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, अब मुझे देखना है कि मैं मुझे जाऊं तो कैसे जाऊं, ट्रेन लूं, बस लूं, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक फीचर गूगल की तरफ से मिलता है कि आप अपनी जो कैब है वो ओला उबर की टैक्सी बुक कर सकते हैं, वो गूगल मैप में ही यहाँ से मिल जाएगी। देखिए वो यहाँ पे आप इधर क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएगा उबर का, ओला का, मेरू का, अपने हिसाब से आप कोई सी भी चूज कर सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आप अपनी राइड जो है वो बुक कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर होता है उन लोगों के लिए जिनके पास जो है ट्रैवलिंग के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ से आप अपना जो है ये यहीं से गूगल मैप से ही अपनी टैक्सी बुक कर सकते हैं। गाइस सातवां फीचर जो है वो भी बहुत अच्छा है, इसमें क्या है कि हम यहाँ पे अपने नियर बाय कोई भी चीज जो है वो सर्च कर सकते हैं, कॉफी शॉप, एटीएम्स वगैरह, गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप वगैरह, होटल्स, बार्स, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमें मिल जाएंगी गाइस। तो इस तरीके से हम यहाँ से चूज कर सकते हैं गाइस, तो इसमें हमें पूरी डिटेल आ जाएगी, हमारे नियर बाय पूरी लिस्ट आ जाएगी, तो इस तरीके से, तो यहाँ पे कितनी दूर है, क्या है क्या नहीं। तो जैसे कि आपको एटीएम ढूंढना है या फिर कोई भी शॉप ढूंढनी है, कुछ ढूंढना है या फिर कोई पेट्रोल पंप ढूंढ रहे हैं आसपास, तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर हो सकता है उन लोगों के लिए जो आसपास में कुछ चीज ढूंढ रहे होते हैं, तो गूगल मैप की मदद से वो ढूंढ सकते हैं। तो गाइज आपने देखा होगा आप जैसे कहीं पर भी गूगल मैप पे सर्च करते हैं तो बार बार आपको अपना एड्रेस डालना पड़ता है कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, वो क्या है कि अपना जो एड्रेस है, जो आपकी लोकेशन है, उसको सेव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए योर प्लेसेस करके ऑप्शन आएगा, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से आप अपना होम एड्रेस, वर्क एड्रेस, ये सारे जो है वो सेव कर सकते हैं। तो आप कहीं पर भी डालेंगे तो आप अपना होम डाल दीजिए, तो वहां से वो एड्रेस जो है वो पिक कर लेगा, आपको बार बार पूरा एड्रेस टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर हो सकता है, क्योंकि आपको बार बार जो है पूरा एड्रेस नहीं डालना पड़ेगा। गाइज नाइन्थ फीचर जो है वो भी बहुत अच्छा है, जैसे कि आप कहीं पर रहते हैं किसी एरिया में और आपको पता है गली नुक्कड़ बहुत सारी जगह होती है जो गूगल मैप पे अवेलेबल नहीं होती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि गूगल में बता सकते हैं कि इस गली का नाम ये है, या फिर इस साइड में मंदिर है, या फिर कोई भी गली है, या फिर कोई भी यानी कि कोई भी दुकान है, या कोई भी चीज़ है जो फेमस है वहाँ पर, तो आप उसमें गूगल की मदद कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा योर कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी प्लेस के बारे में जहाँ पर आपको जानकारी है। तो गाइज ये बहुत ही अच्छा फीचर हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप गूगल मैप पे ला सकते हैं वो चीज़ जो आपके आसपास की चीज़ जो गूगल मैप पे शो नहीं हो रही है, और साथ में इसमें पॉइंट्स वगैरह भी मिलती हैं, तो जिसे आप अपने गूगल एडवर्ड्स में या फिर गूगल का स्टोरेज खरीदने में, बाकी गूगल के प्रोडक्ट्स को खरीदने में जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज ये ट्राई करके देखिएगा, अगर आपके गूगल मैप पे आपके आसपास की चीज़ें शो नहीं हो रही हैं तो आप कंट्रीब्यूट करके देखिएगा। गाइज टेंथ ऑप्शन जो है वो
बहुत ही कमाल का है और ये गूगल मैप का है। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन अलग से डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसका नाम है गूगल अर्थ। तो मैं यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जा जाता हूँ गूगल अर्थ में। मैंने पहले से गूगल अर्थ की एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, तो ये पूरा 3D का मज़ा देता है, मैप्स में मज़ा आ जाएगा, पूरा पूरा इसमें ढंग से दिखाई देगा। देखिए इस तरीके से हम पूरा देख सकते हैं कोई भी एरिया, देखिए इस तरीके से। देखिए जैसे मैं मुंबई यहाँ पे सर्च मारता हूँ, मुंबई, देखिए ये मुंबई आ गया है। अब मैं इसको पूरा जूम करके देख सकता हूँ अच्छे से, तो पूरा 3D मैप आएगा, बहुत ही अच्छा है। ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन गूगल अर्थ आप यूज़ करके देखिएगा, इसमें जो पूरा मैप का मज़ा है पूरा 3D में आप अच्छे से पूरा देख सकते हैं। पूरी छतें एकदम साफ दिखाई देती हैं, ये क्या है क्या नहीं है। तो ये आप इसको यूज़ करके देखिएगा, देखिए इस तरीके से। तो ये पूरे रोड कहाँ से क्या जा रहा है पूरा इसमें 3D मैप में पूरा पता लग जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, आप इसको यूज़ करके देखिएगा और मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये जो फीचर है, ये गूगल अर्थ जो एप्लीकेशन है, वो कैसा लगा इसमें जो मैप का पूरा 3D में जो हमें दिखाई देता है। देखिए पूरा एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है, छतें वगैरह, और साथ में इसको 3D ऐसे करके भी देख सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। देखिए गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय भारत, जय हिंद।